हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर हम मोस्ट ऑफ द यूट्यूब क्रिएटर्स की बात कर लें, या जो भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या जो भी वीडियो बनाते हैं, उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि आप कोई भी वीडियो शूट करते हैं, उसके साथ आप ऑडियो भी शूट करते हैं साथ ही साथ, तो उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि जो आप ऑडियो शूट कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड नॉइज रह जाता है। अगर आप लो कोई मीडियम रेंज की माइक्रोफोन्स यूज कर रहे हैं, अगर बहुत हाई एंड माइक्रोफोन्स यूज कर रहे हैं तब तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर आप मीडियम रेंज की माइक्रोफोन्स जो कि मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स यूज करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं बैकग्राउंड नॉइज रह ही जाता है। तो इस बैकग्राउंड नॉइज को कैसे रिमूव करें? तो रिमूव करना तो बहुत आसान है, उसके लिए बहुत सारी सॉफ्टवेयर है, और सबसे आसान और सबसे ईजी सॉफ्टवेयर है ऑडेसिटी, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स इसे ही यूज करते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें केवल ऑडियो फाइल्स को ले जाके ही एडिट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कोई वीडियो फाइल्स को इसमें इंपोर्ट करके उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि ऑडियो को वीडियो से कैसे एक्सट्रैक्ट करें। तो ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके लिए भी सॉफ्टवेयर सब लेवल है, आप उसे सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक अलग सा ही सॉफ्टवेयर क्यों यूज करूँ? मैं चाहता हूँ कि अपने जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उससे ही सारे प्रोसेस कर लूँ। तो मैं आज आपको Adobe Premiere Pro के कॉन्टेक्स्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो प्रेफर करते हैं Adobe Premiere Pro को ही करते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग भी करता है और बहुत नॉर्मल लेवल की एडिटिंग भी कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ द लोगों जो लोग हैं वो यही प्रेफर करते हैं, तो मैं इसके ही कॉन्टेक्स्ट में आज आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आप पूरी प्रोसेस को समझ पाए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे जाके जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उससे क्लिक कर दें और साथ ही में घंटा दबा दें। इससे क्या होगा, आप मेरी अगली वीडियो को कभी मिस नहीं कर पाएंगे। और आपका ज़्यादा समय लिए बिना हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने Adobe Premiere Pro को ओपन कर लेते हैं, वहाँ पर कोई एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रहने दो। उसके बाद जो आपका वर्क स्पेस आता है वहाँ पर जो वीडियो आपको एडिट करनी है, मतलब जिसमें से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना है, उस वीडियो को इसमें इंपोर्ट करना होगा। तो इसके दो प्रोसेस होते हैं, आइदर आप उसको डायरेक्टली में यहाँ से चले जाएँ, या आप सिंपली जो आपकी वीडियो फाइल है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली अपने वर्क स्पेस में। तो मुझे आसान लगता है सिंपली अपने फोल्डर से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर करता हूँ, मेरी जो वीडियो फाइल है मैं उसे सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरी वीडियो फाइल्स है, मैं इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पर। थोड़ा टाइम लेता है रेंडर होने में, तो एज सून एज ये रेंडर हो जाएगा वो आपका फाइल वहाँ पर स्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये फाइल, वीडियो फाइल यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर आपको दो फाइल्स लिखते हैं, एक वीडियो फाइल लिखती है, एक ऑडियो फाइल लिखती है सेम फाइल की। तो आपको फर्स्ट प्रोसेस क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पर अगर सेपरेट करना चाहोगे तो अभी आप इसे सेपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों लिंक्ड है, अभी वीडियो और ऑडियो फाइल दोनों को लिंक्ड है। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट इस वीडियो और ऑडियो फाइल को डीलिंक करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं इस फाइल पर, तो वहाँ पर डीलिंक का ऑप्शन आता है, तो बस उसे सिंपली सेलेक्ट कर दीजिए, डीलिंक कर दीजिए। तो डीलिंक करने के बाद आप सेपरेटली सेलेक्ट कर सकते हो वीडियो और ऑडियो फाइल को। नाउ आपके पास क्या है कि आप ऑडियो फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो राइट क्लिक करके ऑडियो फाइल में रेंडर करना होगा। फिर ये जो ऑप्शन है उसे क्लिक करने के बाद आपका एक ऑडियो फाइल सेम फोल्डर में, सेम डायरेक्टरी में एक ऑडियो फाइल आ जाएगा। तो जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, हम डायरेक्टरी में चल के देखते हैं कि क्या ऑडियो फाइल आई है। जैसे ये कलर भी इसका चेंज हो गया, ये इंडिकेट करता है कि एक अलग से वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल जनरेट हो गई है आपके डायरेक्टरी में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और उसका नेम भी ऐसा कुछ एक्सट्रैक्टेड लिख के आया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ये ऑडियो फाइल आपकी एक्सट्रैक्ट हो गई है। नाउ ये ऑडियो फाइल तो ये अभी फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को आप सिंपली अपने जो ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैं ऑडियोसिटी यूज करता हूँ,
तो मैं इसे ऑडेसिटी ओपन करके आपको इस ऑडियो फाइल की जो वेव फॉर्म है उसको दिखा देता हूँ, और सिंपली आपको दिखा देता हूँ कैसे आप नॉइज को भी रिमूव कर सकते हैं बहुत इजीली। तो सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर में। तो वहाँ पर ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं कि ये जो वेव फॉर्म है ऑडियो का वो आपको कुछ दिख जाता है यहाँ पर। यहाँ पर जो बैकग्राउंड नॉइज है, आप इसे थोड़ा सा अगर इनलार्ज करते हैं, मतलब कि इसे थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं, तो आपको कुछ नॉइज़ दिख जाता है। तो आपको इसमें अगर नॉइज़ रिमूव करना होता है तो सिंपल प्रोसेस है, उसमें एक एरिया आपको सिलेक्ट करना होगा जिसमें नॉइज़ है, तो उससे एरिया को एक सैम्पल सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ पूरे जो एरिया है उसको सिलेक्ट करके उस सेम सैम्पल के कॉन्टेक्स्ट में उस पूरे बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव कर देते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रह जाता है तो नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद।